गाइस बी टाउन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे देवारा मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देखते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर कई ना कई वजह से चर्चा में रहते हैं, कई उनके काम के लिए तो कई उनके अच्छे काम के लिए, यानी कि उनकी मूवी के लिए वो भी चर्चा में रहते हैं और अच्छे काम की सेवा करनी हो तो भी वो आगे रहते हैं। वो हमेशा से ही नेक कामों की तरफ अपना योगदान देते हैं और एक बार फिर से एक्टर ने कुछ ऐसा ही किया है। जल्द ही देवारा पार्ट वन में वो नजर आने वाले हैं। एक्टर मूवी की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं। उनकी फिल्म पर बड़ा अपडेट आया है और इनका पहला गाना फियर सॉन्ग रिलीज हो गया है। इसी बीच उन्होंने आंध्र प्रदेश के चेरू में श्री भद्रकाली समिता वीर भद्र स्वामी मंदिर में 12.50 लाख रुपए का दान किया है। जूनियर एनटीआर के इस परोपकारी योगदान की खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आते ही फैंस में खुशी उमड़ पड़ी है। एक्टर के फैन पेज ने दिल छू लेने वाली अपडेट शेयर की है। मंदिर में अपने हालिया दान के अलावा जूनियर एनटीआर ने कई सारे नेक काम किए हैं। इसके पहले उन्होंने परोपकार करते हुए बाढ़ पीड़ितों की सहायता भी की थी। इसी बीच फैंस एक्टर के देवारा पार्ट वन की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं और अब इसी बीच फिल्म के पहले गाने का ऐलान किया है। देवारा का पहला गाना फियर सॉन्ग की अनाउंसमेंट कर दी गई है। ये ट्रैक 19 मई को रिलीज होने वाला है। संगीतकार अनिरुद्ध रविचंद्र के गाने ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। फैंस फिल्म के अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देवारा पार्ट वन से जूनियर एनटीआर सिल्वर स्क्रीन पर फिर से वापसी कर रहे हैं। एक्टर 2022 में SS राजामौली की RRR के बाद से किसी भी मूवी में दिखाई नहीं दिए है। कोर्टाला शिवा के डायरेक्शन में बनी देवारा पार्ट वन जूनियर एनटीआर की बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर के साथ पहली मूवी है और जाह्नवी कपूर इस मूवी से तेलुगु में डेब्यू करने जा रही है। एक्शन से भरपूर ये ड्रामा मूवी 10 अक्टूबर 2024 को सिनेमा घरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आप भी ये देवारा मूवी देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और आगे इस मूवी से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।